हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन सुबह के छः बज रहे हैं और हम लोग अभी ट्रेल पे आए हैं यहाँ पे फिर दोबारा से कॉफ़ी प्लांटेशंस को देखने के लिए और थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन हमें मिली है इन प्लांटेशन को लेके सो आई थॉट वाई नॉट एक छोटी सी वीडियो बना ली जाए ताकि वो इन्फॉर्मेशन हम लोग भी कैप्चर कर पाएँ एंड देन ये वीडियो के थ्रू हम लोग शेयर भी कर पाएँ सो लेट मी शो यू दिस पर्टिकुलर कॉफ़ी प्लांट प्लान्ट अर्बिका अब इस यहाँ पे दो मेन वैरायटी हैं अर्बिका और रोबस्टा तो so इसका मेजर डिफरेंस जो देखने को मिलता है वो ये है कि अर्बिका की जनरली लीव्स जो हैं कंपैरेटिवली थोड़ी सी छोटी होती हैं रोबस्टा से जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल ये रोबस्टा है और आप ये भी नोटिस कर रहे होंगे कि रोबस्टा में अभी सारी जो बीन्स हैं वो ग्रीन कलर की है जबकि अर्बिका जो मैंने अभी इससे पहले आपको दिखाया था जो कि यहाँ पे है एक ये है अरेबिका कॉफ़ी बीन प्लांट इसकी लीव्स कम्पेटिवली थोड़ी छोटी हैं ठीक है एंड आप बीन्स भी देखोगे एकदम रेड हो चुके हैं बिकॉज इसका सीज़न हो गया है कम्प्लीट uh, जैसे ही ये बीन्स रेड होते हैं फिर इसको प्लग किया जाता है मैनुअली प्लग किया जाता है लाइक कोई मशीन नहीं है तो मैनुअली प्लक किया जाता है लेबर एम्प्लॉय किए जाते हैं और फिर प्लग करके इनको ड्राई एंड वॉशिंग का एक प्रोसेस होता है वो यूज़ किया जाता है लेट मी शो यू कुछ बीन्स जो बिल्कुल आपको लगेंगे कॉफ़ी बीन्स की तरह जो एकदम जैसे सी दिस वन आपको प्रॉपर दिखेगा कि ये कॉफ़ी बीन जैसा कलर आ चुका है इसका मतलब ये ब्राउन वाला और रेड वाला और, और लुक वाइज भी वो जो बीन की तरह जो दिखते हैं बिकॉज़ अब ये चेरीज़ की तरह नहीं दिख रहे एंड काफ़ी हद तक बीन की तरह लग रहे हैं ये देखो ये यहाँ पे भी हैं लेट मी टेक वन ऑफ दैट थिंग ओके सो ये uh, ये देखो एक्जैक्टली exactly अब ऐसा लग रहा है कि एक रियल कॉफ़ी बीन है अब ये है ना इसको अगर मैं ब्रेक ना भी करना चाहूँ तो लेट मी सी ऐसा ये अंदर से दिखता है बट वॉशिंग में आई थिंक इसकी स्किन जो है ऊपर वाली स्किन उसको रिमूव किया जाता है फिर अलग अलग प्रोसेस होता है जिसके हिसाब से इसका प्राइस डिसाइड किया जाता है मी जस्ट स्मेल इट स्मेल करने पे आ सच मुझे कुछ कॉफ़ी की खुशबू आ नहीं रही आई थिंक वो वही ड्राई करने के बाद और उसके बाद जो उसको ग्राउंड किया जाता है रोस्ट किया जाता है उसके बाद वो एक्चुअली फील आती है तो ये आपने देखा कि ये पूरा एरेबेगा कॉफ़ी है दिस इज मोर एक्सपेंसिव देन रोबस्टा बिकॉज दिस रिक्वायर्स बिकॉज दिस पर्टिकुलर प्लान रिक्वायर्स मोर मेंटेनेंस एंड इसकी जो एक जो हमें अभी कैरेक्टरिस्टिक्स पता लगी है वो ये है कि इसको रोबस्टा uh, के कम्पेटिवली इसको शेड चाहिए होता है तो शेड का मतलब कि इसको थोड़ा सा कवरेज चाहिए होता है ऊपर से ताकि सनलाइट ज़्यादा डायरेक्टली ना इस पर पड़े एंड सिमिलरली इसके लिए शेडिंग की जाती है शेडिंग मतलब कि कुछ प्लांट्स ऐसे साथ में ग्रो किए जाते हैं जो जिसको शेडिंग दे मैं आपको शेडिंग वाले प्लांट्स दिखाता हूँ एक बार <coughs> ये भी एक एरेबिका प्लांट है तो आप ये नीचे देखेंगे जैसे ये बड़े वाले प्लांट्स जो हैं ये ये इनको शेडिंग प्लांट्स बोलते हैं ये शेडिंग प्लांट्स का मतलब कि ये नीचे जो यहाँ अरेबिका ग्रो हो रखा है यहाँ पे उसको शेड्स प्रोवाइड करेंगे प्लांट्स एंड इसका भी प्रोसेस होता है कि इसको पहले ग्रो किया जाता है फिर उसके बाद फेब मार्च में दोबारा से इसको रिमूव कर देते हैं इसकी जो मेन लीव्स और ब्रांचेस हैं ऊपर की ये फिर दोबारा ग्रो हो जाता है तो बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है अरेबिका को ग्रो करने का एंड इसको इरिगेशन चैनल भी चाहिए अरेबिका को जैसे आप देख रहे हैं कि वाटर आई एम सॉरी मैंने आपको बोला था कि इसको पानी चाहिए बट ये नेचुरली ग्रो करता है रेन वाटर से इसको पूरे साल कोई पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती बिकॉज़ uh, कूर्ग में ऑलरेडी रेनफॉल काफ़ी होता है तो इसको एक्स्ट्रा वाटर की ज़रूरत नहीं है ये नेचुरली ग्रो करता है इनफैक्ट रोबस्टा प्लांट है जिसको पानी की इरीगेशन की ज़रूरत पड़ती है बट रोबस्टा के साथ बेस्ट पार्ट ये है उसको शेडिंग नहीं चाहिए वो नेचुरली आप कहीं पे भी देखो आप ये भी ओपन एरिया में ग्रो रखा है ये भी ओपन एरिया में ग्रो रखा है ये नीचे वाला ये बेस्ट कंपैरिजन है आई थिंक ये आपका है अरेबिका और ये है आपका रोबस्टा तो लीव्स अगर आप देखेंगे काफ़ी हद तक सिमिलर हैं मतलब लुक वाइज बट साइज़ में अगर आप देखोगे तो ये साइज़ काफ़ी बड़ा है विच इज़ रोबस्टा एंड ये साइज़ थोड़ा छोटा है एंड दिस इज़ अरेबिका और अभी इसमें बेस्ट डिफरेंस ये भी नज़र आ रहा है कि इसकी बीन्स अगर आप देखोगे इसमें लीव्स भी कम है कंपेयर एक छोटा प्लांट में देखो कितनी सारी बीन्स हैं ठीक है थीके? और वो पीछे वाला काफ़ी बड़ा प्लांट है उसकी जितनी बीन्स है वो ग्रीन कलर की हैं अभी ग्रीन कलर की इसलिए हैं बिकॉज़ अभी इसका सीज़न नहीं हुआ है इल टर्न इन टू रेड ड्यूरिंग फेब और मार्च और जबकि इसका सीज़न हो चुका है नवंबर एंड तक इसको प्लग करना शुरू कर दिया जाएगा यहाँ पे काफ़ी सारी लेबर्स आने लग जाएंगी जो कि इसको प्लग करेंगी एंड जनरली आई थिंक टू टू थ्री रुपीज़ पर के चार्ज किया जाता है लेबर्स जो प्लग करती हैं इन अ डे दिस एज दे कैन प्लक अप्रोक्सीमेटली टू हंड्रेड के जी इमेजिन टू हंड्रेड के जी ऑफ बीन्स एक दिन में प्लग कर ली जाती हैं पर पर्सन सो कितनी ही प्रोडक्शन uh, है प्लांटेशंस uh, में यहाँ पे एंड कूर्ग मुझे पता लगा कि कूर्क हाइएस्ट है प्रोडक्शन में कॉफ़ी के एंड आफ्टर कूर्ग देर इज़ दिस प्लेस कॉल चिक मंगलोर अगेन इन कर्नाटका जहाँ पे कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है काफ़ी इसके साथ साथ में ये देखो ये पेपर का प्लांट है पेपर जिसको कि हम हिंदी में काली मिर्च भी बोलते हैं ये ग्रीन कलर का है अभी थोड़ा सा और ग्रो होगा लेट मी जस्ट फोकस इट ऑन दिस थिंग या सो ये लाइक like ये ग्रीन कलर का आप जो देख रहे हो ये पेपर है ये ये भी बहुत ही अमेजिंग प्लांट है जिस तरीके से ग्रो होता है आप देखो ये प्रॉपर इस ट्री पे क्लाइम कर गया है एंड मोस्ट प्रॉब्ली ये जो ट्री है ये सिल्वर ओक है सिल्वर ओक भी बड़ा फेमस ट्री है इसका भी काफ़ी यूज़ होता है मार्केट में तो आप देखो ये ट्री को यूज़ करके ग्रो होता है एंड विद इन कपल ऑफ मंथ्स ये जो इसके पेपर कॉर्ज हैं ये थोड़े से और साइज़ में बढ़ बढ़ जाएंगे एंड तब इसको तोड़ लिया जाएगा ये देखो ये मैं आपको दिखाता हूँ यस सो ये पेपर कौन सा इसको अगर आप क्रश करोगे अभी फ़िलहाल क्रश हो जाएगा ये एंड क्रश करने के बाद स्मेल भी ये पेपर जैसी ही आती है एकदम लेट मी स्मेल इट यस एकदम काली मिर्च जैसी खुशबू बट नॉट दैट स्ट्रांग जो कि आपको ब्लैक कलर वाली में होती है एंड इसके साथ है कि जब ये थोड़ा सा और ग्रो हो जाएगा एंड साइज़ थोड़ा बढ़ जाएगा तो इसका कलर भी चेंज होने लगता है थोड़ा सा डार्क हो जाएगा ब्लैकिश काइंड ऑफ होने लग जाएगा जिसके बाद इसको ड्राई किया जाता है एंड <coughs> फिर मार्केट में इसको सेल किया जाता है पाउडर करके काले मिर्च के फॉर्म में आई गाइज और एक और चीज़ जो मुझे पता लगी ये जो ट्री आप देख रहे हो ये बहुत ही पुराना है अप्रोक्सीमेटली फिफ्टी प्लस ईयरस ओल्ड ट्री है एंड ये कोई नॉर्मल ट्री नहीं है इसको बोला जाता है रोज़ वुड सो so, अगर आपको टाइम मिले तो प्लीज़ एक बार चेक करना रोज़ वुड क्या होता है रोज़ वुड एक डार्क ब्राउन या ब्लैकिश कलर की वुड होती है जो कि फ़र्नीचर मेकिंग में यूज़ होती है एंड बहुत ही एक्सपेंसिव वुड है ये भी एंड पीपल सम पीपल रियली लव दिस वुड बिकॉज़ ऑफ इट्स कलर सो या बिकॉज ऑफ़ द कलर बिकॉज इट्स बड़ा ही यूनिक कलर होता है बिकॉज अगर आप टीक या ओक से कंपेयर करोगे तो वो ब्राउन टाइप होता है ये बहुत ही डार्क या ब्लैक काइंड ऑफ़ अ कलर होता है एंड इसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसको आप ऐसे ही कट नहीं कर सकते ट्रिम नहीं कर सकते बिकॉज़ ये अगर आप इसको ऐसे ही कट करके अगर अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करते हो for, वो भी लिमिटेड क्वान्टिटी क्वान्टिटी में तो ठीक है बट अगर आप इसको कट करके सेल करते हो तो इलीगल माना जाता है तो यू हैव टू बी श्योर कि uh, जो भी रोज़वुड है उसको कट करने से पहले आपको मल्टीपल परमिशन लेनी पड़ती है आई थिंक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से स्टेट गवर्नमेंट से एंड देन ओनली यू कैन कट दिस ट्री और ये रोज़वुड के साथ में एकदम है आपका जैक फ्रूट ट्री जैक फ्रूट ट्री तो आई एम प्रश श्योर बहुत लोगों ने देखा भी है और आई थिंक उसका फ्रूट यूज़ भी किया है अपनी कुकिंग में एंड ऑल ये आई थिंक थोड़ा सा भी ट्रिम हो रखा है इसमें फ्रूट्स वग़ैरह कुछ नहीं है बट काफ़ी पुराना है ये एंड इसका भी मुझे पता लगा कि ये केरला में बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्री माना जाता है इसका वुड भी बहुत इम्पोर्टेंट है एंड वो इसका वुड यूज़ करते हैं अपने डोरवे पे टू मेक डोर्स बिकॉज़ इसका कलर बहुत डिफरेंट होता है आफ्टर इसका प्रोसेसिंग के बाद जो कलर आता है वो बहुत डिफरेंट है तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है केरला में काफ़ी लोग इसको यूज़ करते हैं इस वोट को और ये देखो ये नीचे जो ग्रीन कलर भी ऐसा औरखा लिटरली जैसे कि जैक फ्रूट है ये ये ऐसे ही कलर इसके ट्रंक पे आ रखा है ऐसे ही सेम इसके फ्रूट में भी ऐसे ही कलर आपको ग्रीन ब्राइट ग्रीन कलर देखने को मिलता है ये एक और छोटा सा आरबेगा का प्लांट है एंड आप नोटिस करो कि इस प्लान में लीव्स बहुत ही कम है मतलब ईजिली आपको बीन्स दिख पा रही है जबकि मैंने जो आपको रोबस्टा प्लांट्स दिखाए थे वो बहुत ग्रीन बहुत लीवी लीव्स होती है उसमें बहुत सारी जबकि इसमें बहुत लीव्स कम होती हैं छोटी होती हैं एंड ये देखो ये, ये बीन्स एक्जैक्टली आपको ऐसा लगेगा जैसे कॉफ़ी की बीन् ही देख रहे हो आप ये देखो मतलब कलर भी आई थिंक ये इन्होंने प्लक नहीं की बिकॉज नवम्बर सीजन में जनरली को प्लक कर लिया जाता है ये शायद लकील बच गया होगा एंड बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है कॉफ़ी प्लांटेशन्स के लिए चाहे वो आरेबिका हो चाहे रोबस्टा हो बिकॉज़ यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ दी पेस्टिसाइड्स का कॉन्सेप्ट जो है देन वीड्स का ध्यान रखना पड़ता है टाइमली इनको मेनिक्योर करना पड़ता है ये यह देखो ये यहाँ पे फिर से हमें ब्लैक पेपर या काली मिर्च देखने को मिली और ये पेपर पॉप्स जिनको बोला जाता है कितने सही इस प्लांट ट्री पे ग्रो कर रहे हैं अगर ये अगेन ये ऐसा नहीं है कि नेचुरली अपने आप ग्रो होने लग जाते हैं इनके लिए आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ता है आप ये देखोगे वाइट कलर के जो बांध रखे हैं ताकि ये सपोर्ट लेके ट्री का ग्रो होते रहे एंड फर्दर इट कैन क्लाइम अप टिल हाई टिल द टॉप ऑफ द ट्री एंड अभी मुझे यहाँ पे आई थिंक पीछे की साइड में एक दो एवरकाडो ट्रीज़ भी हैं तो वो भी मैं आपको इसके बाद दिखाऊंगा और ये एवरकाडो का ट्री है आई थिंक अभी इतना कुछ ग्रेट पता नहीं चल पा रहा है इसके बारे में एंड लीव्स भी बहुत ऊपर हैं तो मैं आपको दिखा नहीं सकता इसकी लीव्स कैसी होती हैं एंड इसमें फ्रूट भी नहीं है एंड यहाँ पे एवोकाडो इतना कोई ग्रेट फ्रूट नहीं माना जाता एंड इनके डेली क्वीन में भी साउथ इंडिया में इतना यूज़ नहीं होता बट uh, आजकल इसका बड़ा ही मार्केटिंग होने लग गई है कि बहुत ही हेल्दी है इसको सेलेड में यूज़ करना चाहिए इसको रोज़ खाना चाहिए एंड ऑल दैट अभी इसमें फ्रूट एक भी नहीं है तो अगर होता तो मैं आपको शायद दिखाता तो ये आई थिंक दो ट्रीज़ हैं इसके एक ट्री ऐसा है ये एकदम कोकोनट पीछे आपको दिख रहा है और इसके एग्जैक्टली exactly अगर मैं नीचे आऊँ तो यहाँ पे ये हैं बीन्स जो वेजिटेबल बीन्स जो हम लोग खाते हैं आलू बीन्स की सब्जी के साथ ये वो वाले बीन्स हैं आई थिंक ये भी अभी ग्रो हो रहे हैं ये बहुत छोटे स्टेज पे हैं बट पूरा ही ऑर्गेनिक फार्म है मोस्ट ऑफ दी प्रोडक्ट्स इनके अपने फार्म से ही आते हैं uh, पपाया भी है इनके पास कोकोनट ट्रीज़ हैं कोकोनट का भी बहुत यूज़ होता है कुकिंग में यहाँ पर चाहे ऑयल हो चाहे एज अ प्रोडक्ट हो या नारियल पानी पीने के लिए यूज़ होता है ओके uh, सो okay, so अभी ये प्लांट हमें दिखा है uh, जो कि इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में ग्रो नहीं हो रखा इसकी लीव्स अगर आप देखोगे तो ये सम आपको ऐसा लगेगा कि बनाना लीव्स की तरह हैं छोटी हैं थोड़ी बनाना लीव्स जनरली बहुत बड़ी होती हैं ये थोड़ी छोटी हैं एंड ग्रीन कलर्स की हैं स्टेम इसकी सम बैम्बू ट्री की तरह पतली पतली स्टेम्स हैं गेस वॉट ये कौन सा ट्री कौन सा प्लांट है ये इससे हमें क्या मिलता है सो so गाइज ये हमारा कार्डमम ट्री है एंड इसमें जो कार्डमम एंड कार्डमम आप सबको पता है आज के टाइम पे बहुत एक्सपेंसिव और है बट यहाँ पे इसकी एस सच कोई ज़्यादा वैल्यू दिख नहीं रही क्योंकि सडनली स्पाइक हुआ है जो कि आई थिंक मेजर रीज़न शायद ये है कि ग्वैता से जो कार्डमम आता था वो आना बंद हो चुका है काफ़ी इम्पोर्ट होता है इंडिया में तो उसकी वजह से लोकल प्रोडक्शन इतना था नहीं एंड इसलिए एक्सपेंसिव हो चुका है एंड अब देखते हैं इसका कार्डमम आता कहाँ से है तो ये एकदम मैं ग्राउंड पे आ गया हूँ ग्राउंड पे मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि अभी इसकी प्रॉपर कल्टीवेशन करते नहीं है यहाँ पे बिकॉज इतना वैल्यू uh, नहीं था पहले अभी एकदम से वैल्यू बढ़ा है तो दे आर नॉट प्लांटिंग इट मोर एक छोटा सा मुझे दिखा है दूसरी साइड पर मैं आपको दिखाता हूँ एंड आपको दिखाऊँगा कि क्या डिफरेंस होता है तो ये जनरली यहाँ नीचे कहीं ग्रो होते हैं लेट मी सी एक मुझे दिखा था अभी छोटा सा आई थिंक ये भी एक है कार्डमम का ही पार्ट और एक है यहाँ पे हाँ तो गाइज़ ये देखो ये मुझे छोटा सा कार्डमम मिला है ये लेट मी कम अप एंड शो यू जैसे कि मैं आपको दिखा रहा था मैं एक्चुअली कैमरा फोकस नहीं कर रहा हूँ तो ये कार्डमम है ये हाँ तो इसको ये अभी ग्रीन या ये येलोइश कलर का है थोड़े टाइम में और ये ग्रीन हो जाता है ये देखो इसके अंदर जो आपकी कार्डमम सीड्स होती हैं ब्लैक कलर की एंड आप इसको भी ब्रेक करके अभी खा खाया भी था मैंने तो टेस्ट में बिल्कुल एकदम वैसा ही होता है ये देखो ये ये आपकी कार्डमम सीड्स आपको दिखने लग गई हैं ये होता है कार्डमम एंड मैं इसको खा भी सकता हूँ टेस्ट में एग्जैक्टली वैसा ही होता है बट अभी ज़्यादा इसकी ग्रोथ हो नहीं रही है यहाँ पे एंड आप ये देखोगे यहाँ पे ग्राउंड में ही मिलता है जनरली नीचे ग्राउंड में जो रूट्स के आसपास कहीं पे ग्रो होता है ये और आफ्टर द कार्डमम अभी हम यहाँ पे आए हैं ये बीटल लीव्स uh, हैं उसका भी आप देखो ये क्लाइम कर रहा है बीटल लीव्स जिसको आई थिंक पान का पत्ता बोला जाता है तो ये वो है आ, ये देखो ये ये भी यूज़ होता है अपने इंडियन कल्चर में आई थिंक पूजा में भी काफ़ी यूज़ किया जाता है एंड देन खाने के लिए भी यूज़ करते हैं